अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकत के कुछ अहम नुकात। कौन सी ताकत? मोहब्बत की ताकत। मोहब्बत मध्यम, कमजोर और लागिर नहीं है। मोहब्बत जिंदगी की मस्बत कुव्वत है। मोहब्बत हर मस्बत और अच्छी शय का बाइस है। आप कुछ भी बनना या हासिल करना चाहते हैं वो मोहब्बत से ही मुमकिन है। मोहब्बत जैसी मस्बत कुव्वत कोई भी बेहतरीन शय तख्लीक कर सकती है, उमदा शय में इजाफा कर सकती है और आपकी जिंदगी की किसी भी मनफी शय को बदल सकती है। आप हर दिन हर इंतखाब करते हैं कि मस्बत कुव्वत पर काबू पाया जाए और मोहब्बत की जाए या नहीं। मोहब्बत का कानून ही कशिश का कानून है और यही कानून आपकी जिंदगी में जेरे अमल है। आप जो कुछ भी जिंदगी को देते हैं, जिंदगी वही सब कुछ आपको लुटाती है। मस्बत देंगे तो मस्बत ही पाएंगे, मनफी देंगे तो मनफी ही वसूल करेंगे। आपकी जिंदगी में कुछ भी बेवजह नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल करते हैं जो आपने उसे दी है। आपकी सोच और एहसास अच्छे हैं या बुरे, वो आपकी आवाज की गूंज की तरह खुद ब खुद और बिल्कुल इसी तरह वापस आते हैं। ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां हसीन हैं, वो अपनी नापसंदीदा चीजों की निस्बत पसंदीदा चीजों के मुतालिक ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। अपने दिन की अच्छी खबरों के मुतालिक गुफ्तगू करें, इस चीज पर बात करें जिसे आप पसंद करते हैं और वो चीज हासिल करें जिसे आप मोहब्बत करते हैं। आप में उन चीजों के मुतालिक बोलने और सोचने की बेहद सलाहियत है जिन्हें आप पसंद करते हैं और इसीलिए आप में हर उमदा शय को अपनी जिंदगी में हासिल करने की लामहदूद सलाहियत है। मोहब्बत करें क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप कायनात की सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप इन चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे वो चीज पसंद है, तो ये आपकी सोच मस्बत है और आप अपनी मोहब्बत के बारे में बात करना चाहते हैं और आप हर एक लफ्ज ज्यादा से ज्यादा अपनी पसंदीदा चीज के बारे में बोल सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस चीज के बारे में बात करें जो आपको पसंद नहीं है और जिसे आप मोहब्बत नहीं करते और उसके बारे में आपके पास जखीरा अल्फाज भी नहीं होंगे जो आप अदा कर सकें। मोहब्बत के बिना एक खूबसूरत जिंदगी हासिल करना नामुमकिन है। इंसानी शऊर जो है वो मोहब्बत के कानून की पैरवी करेगी या नहीं मैं नहीं जानती, मगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून इसी तरह काम करेगा जैसे कशिश शक्ल का कानून काम करता है, चाहे हम उसे कबूल करें या ना करें, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें, लेकिन वो मौजूद है।